बेहतर है अंधेरे से एक नए पथ का निर्माण करना है, उजाले से अच्छा एक खेल खेलते हैं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम उनके जवाब देना, पर जवाब तुम्हें 5 सेकंड के अंदर देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा तो बताओ भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, बताओ तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं? सर के बाल? भला इतने सारे बालों को कोई कैसे गिन सकता है? मैं बताता हूँ, एक आम आदमी के सिर पर लगभग 1 लाख बाल होते हैं। इतने सारे? अच्छा मैं कुछ और पूछता हूँ, बताओ तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? शरीर की हड्डियां? मुझे क्या मालूम, लगती तो बहुत ज्यादा हैं। 1, 2, 3, मैं कैसे गिनूं? आज के हमारे कार्यक्रम कंकाल में यही तो बताया गया है। छोटी बड़ी ढेर सी हड्डियों से मिलकर बनता है कंकाल। इस कंकाल को अस्थि तंत्र भी कहा जा सकता है ना, लेकिन हड्डियों का ढांचा कहना ही ठीक लग रहा है, कुछ आसान सा है ना। जैसा ढांचा वैसा आकार, चाहे गुड़िया का ढांचा हो या पतंग का ढांचा हो या फिर रावण के पुतले का। दीदी आज हम चलते हैं अपना दवा खाना लेकर प्रयोगशाला में, जहां देखेंगे असली कंकाल। अपना ये खिलौना भी ले चलते हैं, डरिएगा मत। कितनी सारी हड्डियां हैं हमारे शरीर में। कुछ गोल, कुछ चपटी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, बहुत तरह की। कुल मिलाकर हमारे शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। 100 जमा 100 उसमें जोड़े 6। तुम सोचते होगे इतनी सारी हड्डियां भला हमारे शरीर में क्या करती हैं? हमारे शरीर को आकार देती हैं ये हड्डियां। आकार वाली बात तो ठीक है, पर और भी बहुत कुछ करती हैं हमारी हड्डियां।
हड्डियां मिलकर बन गई ये गुफा जैसे। इसमें रखा है हमारा मस्तिष्क। बाहर की चोटों से मस्तिष्क यानी दिमाग को बचाती हैं ये हड्डियां। इसी तरह हड्डियों का पिंजरा फेफड़े और हृदय की रक्षा करता है। हड्डियों में होते हैं कुछ जोड़। इन जोड़ों की वजह से हम अपने अंगों को हिला पाते हैं। हाँ, जहाँ एक हड्डी दूसरे हड्डी से मिलती है वहां बन जाता है जोड़। कई तरह के जोड़ हमारे शरीर की हड्डियों में होते हैं। एक हड्डी का गोल सिरा दूसरे हड्डी के कटोरे जैसे भाग में रहता है। ये जोड़ कहलाते हैं, गेंद गड्ढे वाले जोड़। ये जोड़ दूसरी तरह का है, जैसे दरवाजे के कब्जे का, केवल एक ओर हिलता है। फिसलने वाला जोड़। एक हड्डी दूसरे पर थोड़ी फिसलती है, जैसे कलाई का या टखने का जोड़। जोड़ एक और तरह का होता है, कीलदार जोड़। एक हड्डी कील का काम करती है, दूसरी उसके चारों ओर घूमती है। दोस्तों, ये सारी क्रियाएं सिर्फ हड्डियों से नहीं होती हैं, हड्डियों के ऊपर होती हैं मांसपेशियां, पूरी शरीर में। मांसपेशियां ही जोड़ों को हिलाती हैं। मांसपेशियां? सोच रहे होगे, मैं यहाँ धूप में बैठकर क्या कर रही हूँ? मैं धूप में बैठकर अपनी हड्डियों को मजबूत बना रही हूँ। सूर्य की किरणें यानी धूप। धूप में होता है विटामिन डी, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों के लिए धूप ही काफी नहीं। इसके साथ साथ चाहिए हरी पत्तेदार साग सब्जियां, मौसम के फल, दालें अंकुरित या सादी, अनाज, सोयाबीन, दूध या दूध से बनी चीजें। ये सभी चीजें हड्डियों के लिए फायदेमंद हैं। सब्जी और फल जहां तक हो सके कच्चे खाने चाहिए, ये ज्यादा फायदा करते हैं। पर अच्छी तरह धोकर साफ करके खाने चाहिए।
हड्डियां मजबूत होंगी तो खूब उछल कूद भी सकोगे। उछलते कूदते समय सावधान रहना चाहिए, असावधानी से चोट लग सकती है। चोट से कभी कभी हड्डियों को नुकसान भी हो सकता है, वो टूट सकती हैं या उनमें दरार भी पड़ सकती है। हड्डी की दरार या टूटी हड्डी का पता लगते ही अस्पताल में एक्सरे लेते हैं, फिर डॉक्टर उस पर प्लास्टर बांध देता है। दोस्तों, अब मुझसे तुम डरोगे तो नहीं ना? कितनी चीजें दिखाई तुम्हें मैंने अपने बारे में। क्या ढूंढ रहे हो? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। पर क्या? पेन। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। क्या मतलब? वो कमीज में क्या लगा रखा है? ओह, लेकिन तुमने जो अभी बात कही उसका क्या मतलब हुआ? ये मुहावरा है, मतलब पेन तुम्हारी जेब में टंगा है और तुम ढूंढ रहे हो सब जगह। ठीक है ज्यादा बत्तौरानी बनने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो तुम कार्यक्रम की बात कर रहे हो, मियां गुमसुम और बत्तौरानी।